टूडे विथ ए वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड यू नो देस ऑलवेज आस्क वेरी सिंपल क्वेश्चन तो ना अब हम लोग एक क्लासवर्क करते हैं ओके क्लास वर्क ना वॉट इज द क्लास वर्क ओके फाइंड आउट नंबर ऑफ एके फिनोटाइप्स जिनोटाइप फिनोटाइप्स जिनोटाइप्स तापर गैमिट्स डिमिट डिफरेंट गैमिट्स ऑलवेज रिमेंबर यह डिफरेंट होता है सब में डिफरेंट गैमेट्स डिफरेंट फिनोटाइप्स ओके डिफरेंट जीनोटाइप्स एंड टोटल नंबर ऑफ ऑफ स्प्रिंग्स टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट ऑफ स्प्रिंग्स ऑफ स्प्रिंग्स ओके टोटल नंबर ऑफ ऑफ स्प्रिंग्स ओके फॉर द जीनो टाइप ओके तो आपको मैं एक जीनो टाइप दे रहा हूं उसके लिए ये आपको डाटा निकालना है ठीक है ए ए बीबी सी सी डी डी ई एफ एफ जी जी एच एच आई आई जे इज ऑलवेज कैपिटल के के एल एल एम एम एन एन ओ ओ पी पी क्यू क्यू आर आर एस एस टी टी यू यू पी वी डब्लू डब्लू एक्स एक्स वाई वाई जेट सेट सो आई हैव रिटर्न ऑल द अल्फाबेट्स तो देर आर ट्वेंटी इन इंग्लिश ये आपको पता है चलिए तो इसका आंसर क्या है निकालिए साबुआन क्यों सा नंबर ऑफ हेट्रो साइड्स है वो हो जाएगा जीरो तो हमने क्या डिस्कस किया था ओके तो वी हैड डिस्कस द दैट नंबर ऑफ गैमेट्स इज इक्वल टू 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 द पावर एन एन नंबर ऑफ फिनोटाइप्स इज इक्वल टू 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 द पावर एन नंबर ऑफ जीनोटाइप्स ओके इज इक्वल टू थ्री टू द पावर एन एंड टोटल ऑफ स्प्रिंग फोर टू दावर एन इज इक्वल टू फोर टू दावर एन तो यह हमने डिस्कस किया था नाउ तो इसीलिए इन दिस केस अभी अगर हम लोग ये एन 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 एड एन सो वेर एन इज नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट्स ये सर कराए थे क्या हाँ नो सर नो सर तो तुम इतना धड़ से कैसे आंसर बोल दिया फाइन तो दिस दिसी हाँ वो हम कर चुके हैं और आप फनो करेंगे चला चला वही है ऑब्वियस्ली क्या आंसर देता हाँ यार एन जो है बुर्णा एन इज इक्वल टू जीरो क्योंकि ऑल आर होमोजाइगो ऑल आर होमोजाइगस है तो so, इसीलिए आपका एन हो जाएगा जीरो एंड एनी थिंग टू द पावर जीरो इज इक्वल टू वन आ गया मजा तो दिस इज अ ब्यूटिफुल क्वेश्चन प्लस बाकी जो है थोड़ा टेढ़ा मेड़ा क्वेश्चन हम विथ टाइम डिस्कस करेंगे चलिए तो दिस इज अ ब्यूटिफुल क्वेश्चन तो इट लुक्स वेरी डेंजरस बट एक्चुअली इट इज वेरी वेरी इजी अंडरस्टैंड चलिए सो अब हम लोग चले जाते हैं इन टू दूर डोमिनेंस है कि नहीं अब कौन हाँ सो आप हम लोग डिस्कस करेंगे एक स्पेशल केस जो एक्चुअली एनसीआरटी में हमारा मेंशनड है ओके सो वी विल गो फॉर ए स्पेशल केस एंड वो बहुत सुंदर सा केस है जो कि हमें डिस्कस करना चाहिए ओके सो वी विल गो टू एन मार्च ये हमारा फिफ्थ चैप्टर है फाइन चलिए कौन ना? 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 आ तो दे, था, था। तोड़े थे। आ, ना ना। तो था से कॉलेज ठीक है जो जा। दे को, हाँ हाँ हा। तो के खाई बाहर छाड़ दे तू बा छाड़े ना, ना? चलो तो इसलिए अब ये वाला टॉपिक हम लोग देखेंगे तो so एक्चुअली कौन हैची यहाँ एक तोरु ठर दोन वोटे मेंटी भाई केची हाबनी ताकू टोमेटो तो रचे से डारुनी हला सो so, इसीलिए अब ये जो है एक स्पेशल केस है गिवन इन एनसीईआरटी आई डोंट थिंक इट इज विजिबल टू यू तो इसको एक सेकंड विल शेयर द स्क्रीन कौन वाला हेला सो ना यू सी दिस ओके तो ये केस देखिए तो इसमें हम लोग एक कंसेप्ट देख रहे हैं कौन देव डॉ तो डाक है बुकियों से ना यहां आपका एक कंसेप्ट है तो दैट इज कॉल्ड ओके दैट इज कॉल्ड योर सीड शेप जो फीज कैरेक्टर है ना सीड शेप ना सीड शेप हमारा कौन कौन सा वेरिएशन में आता है राउंड राउंड रिंकल्ड एंड रिंकल्ड तो व्हेन वी आर सीइंग सीड शेप इट इज राउंड और रिंकल्ड तो ये जो राउंड है ये आपका आर आर एंड आर स्मॉल आर के केस में होता है एंड रिंकल्ड कब होगा जब स्मॉल आर स्मॉल आर का केस होगा अंडरस्टैंड सो दिस इज द कंसेप्ट बट तो इसका मतलब अगर हम लोग सीड शेप देखेंगे तो यानी ऊपर पड़ा होना बोले दौड़ा है ना अब so उसको अगर हम लोग इसका फीचर देखेंगे तो ये क्या ओबे करता है वॉट इज दिस फीचर ओबेइंग बोलिए ये कौन सा प्रॉपर्टी ओबे कर रहा है नहीं जा के नहीं दौड़े ओके सो इट इज मैंडलियन डोमिनेस बट इसके पीछे एक हिडन कंसेप्ट है तो एक्चुअली ओके एक्चुअली सीड शेप एटा कॉपर दे दिया एक्चुअली सीड शेप डिसाइड करने के लिए सीड शेप इज डिसाइडेड बेबी इज डिसाइडेड बाई द कौन स्टार्च ब्रांचिंग ओके डिसाइडेड बाई द स्टार्च ब्रांचिंग वे रिजल्ट इन डिफरेंट ग्रेन साइज ओके डिफरेंट ग्रेन साइज तो अगर आप यहां देखेंगे ओके सो ओकेजनली ए सिंगल जीन प्रोडक्ट में प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट ओके यहां वो बता रहा है इट मे प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट इसको हम क्या कहते हैं प्लीओ ट्रॉपी नाउ ओके फॉर एग्जाम्पल सिंथेसिस इन पी इट हैज टू अलील बी एंड बी है, okay, है कि नहीं तो इसीलिए अगर ये बी बी होता है ओके okay, इफेक्टिव okay, सिंथेसिस होता है लेसर okay? एफिशिएंसी होता है इसीलिए स्टार सिंथेसिस स्मॉल ग्रेन बनाता है ओके बट ओके तो इसलिए फाइन आफ्टर मैचुरेशन दस बीबी सीड्स आर राउंड एंड बीबी सीड्स आर रिंकल बट द स्टार्च ग्रेन प्रोड्यूस्ड ऑफ इंटरमीडिएट साइज इन बी स्मॉल बी इसीलिए अगर हम लोग स्टार्च ब्रांचिंग देखेंगे तो इफ यू आर कंसिडरिंग स्टार्च ब्रांचिंग तो क्या होगा ये तीन तरह का होता है ओके कैपिटल बी कैपिटल बी तो ये मोस्ट एफिशिएंट ब्रांचिंग होता है इसीलिए लार्ज ग्रेन प्रोड्यूस होता है स्टार्च ग्रेन लार्ज ग्रेन्स स्मॉल बी स्मॉल बी लेस एफिशिएंसी, इसीलिए स्मॉल ग्रेन्स होता है बट वेन इट इज बी स्मॉल बी एंड इंटरमीडिएट स्टार्च ग्रेन इज रिपोर्टेड ठीक है इंटरमीडिएट स्टार्ज ग्रेन इज रिपोर्टेड नाउ जब ये सीड्स मच्योर करते हैं तो चाहे वो आपका लार्ज ग्रेन हो या स्मॉल ग्रेन हो ये प्रोड्यूस करता है राउंड फिनोटाइप ओके एंड अगर ये स्मॉल बी स्मॉल बी होके स्मॉल ग्रेन्स बनाता है तो ये प्रोड्यूस करता है रिंकल्ड फिनोटाइप ओके रिंकल्ड फिनोटाइप सो ओके इन केस ऑफ ब्रांचिंग स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम ओके इट ओबेज विच लॉ इट ओबेज बताइए नहीं नहीं स्टार्च ब्रांचिंग के केस में इनकम्प्लीट डोम्लीट यस दैट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंस अंडरस्टैंड तो इसीलिए ये जो कंसेप्ट है ये इस पे देखा जा रहा है Actually, एथे a gene may more than one okay? तो एक्चुअली इधर कौन लिखे चाहिए ओकेजनली ए सिंगल जीन प्रोडक्ट में प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट ओके तो इसीलिए ये प्रोडक्ट है तो अगर प्रोडक्ट बोल रहे हैं तो हम इसको प्लियोट्रपी नहीं बोलेंगे अगर सिर्फ जीन होता तो हम उसको प्लियोट्रपी बोलते तो हमेर एक ही जीन है एक्चुअली सिंस हमें ब्रांचिंग पढ़ू चू हमें बीबी लिखूच शेप पढ़ूचू अब आर आर लिखूचू एक्चुअली मेंडल डिड नॉट नो व्हाई इट इज राउंड इसलिए उन्होंने आर आर डब्ल्यू डब्ल्यू ले लिया आज हम जानते हैं व्हाई इट इज राउंड इसलिए हम लोग बीबी -बी लेते हैं अंडरस्टूड तो इसीलिए अगर हम ये एक जीन का दो पहलू है अगर सिर्फ ब्रांचिंग कंसिडर किया जाए तो उसको हम मेंडेलियन डोमिनेंस नहीं देखते हैं हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखते हैं अंडरस्टूड बट सपोज आई सेव दिस पेज एंड क्लियर इट तो अब अगर हम यहां ध्यान दें ओके सो इफ द स्टार्च ब्रांचिंग Aspect of the gene is considered. Okay, if the starch branching aspect of the gene is considered, okay, it obeys. okay Incomplete, Incomplete dominant oh, Why? Because BB say large grains. ओके स्मॉल स्मॉल हा एंड बी स्मॉल बी से इंटरमीडिएट ग्रेन एंड स्मॉल बी स्मॉल बी से क्या स्मॉल स्मॉल अंडरस्टूड ये सारा चीज आप देख रहे हो तो इसलिए जब आप ये सारा चीज देख रहे हो तो ये क्या साबित करता है कि ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है ओके बट इफ दीड शेप एस्पेक्ट ऑफ द जीन ऑफ द जीन इज कंसिडर्ड ओके बट इफ द ओके सीड सेप एस्पेक्ट ऑफ द जीन इज कंसिडर्ड क्या है Uh, Consider it obeys. What yeah. Mendelian law of dominance, dominance, comma because okay because uh, your B B as well as B small B produces round no. phenotype, round seeds. एंड small b स्मॉल बी प्रोड्यूसेस रिंकल रिंकल ठीक है तो ये एक एस्पेक्ट है इस चैप्टर का हमें देखना जरूरी था फ्रॉम एनसीआरटी इज इट क्लियर चलिए तो वी हैव डिस्कस्ट योर इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस हम लोगों ने अलग अलग फीचर्स देखा मैंने विल गो बैक टू आवर केस है कि नहीं तो so, अब इसको एनसीआर को क्लोज कर दिया जाए हमें नहीं चाहिए तो अब हम लोग जेसीआरटी नोट पे चले जाते हैं एंड इसमें आप क्या देख रहे हो तो वी हैव डिस्कस डोमिनेंस सो दिस इज योर व्हाट फ्लावर कलर इन एंटीराइनम एंटीराइनमेज ओके एंड स्नैप ड्रैगन आप बोल सकते हो मेरा बिलिस जलापा यहां हमने देखा एंडुलेशन फाउल

सो आई है शॉर्ट आई विल सेंड इट टू यू ना अब हम लोग चले जाएंगे इन टू अन एस्पेक्ट दस एंड ओवर डॉमिनेंस धीरे धीरे आएगा और क्या तो अब गो बैक टू आर बोर्ड सो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंड एलेक्शन तो हम लोगों ने इनकम्प्लीट डोमिनेंस डिस्कस कर दिया तो नाव वी विल डिस्कस द डेविएशन नंबर टू एंड थ्री एक्चुअली दोनों साथ साथ ही देखा जाता है टू एंड थ्री तो टू कौन सा है मल्टीपल ओके एंड थ्री कौन सा है को Okay, multiple allelism and co dominance. Okay. Now we will write their definition. So is now according to Mendel, okay, every gene has only two. वेरी क्लियरली उन्होंने बोल दिया था सो इफ एनी जीन हैज मोर देन टू अलीस ओके इट इज रेफर्ड टू एज क्या मल्टीपल मल्टीपल एलेजिज्म ओके सो इसको हम लोग कहते हैं मल्टीपल एलिलिज्म तो इसके एग्जाम्पल्स में हम ले सकते हैं आपका एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम कॉमा ओके योर स्किन कलर इन रैबिट्स तो ये हम लोग करेंगे तो इसीलिए मैं डिस्कस कर दिया सो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम एंड स्किन कलर इन रैबिट्स Or we example say we are taking two now your second type hair, third type hair. According to Mendel. Okay, according to Mendel, the according to Mendel, there is only one dominant allele.

चलिए उसके बाद बट इफ ए जीन हैज मोर देन वन डोमिनेंट एलील एंड इन सच ए मैनर दैट दे आर इक्वली डोमिनेंट ओके okay, भाई दोनों डोमिनेंट है एंड दोनों इक्वली डोमिनेंट है ए को डोमिनेंट इफेक्ट इज सीन व्हेन बोथ ऑफ देद अंडरस्टूड तो इसीलिए दोनों डोमिनेंट अली लगा इकट्ठा आ जाए तो आर उन्नीस को उन्नीस अंडरस्टूड को भी नहीं कि अठारह भी नहीं एग्जैक्टली exactly सही। तो इसमें हम लोग एग्जाम्पल लिख सकते हैं तो इसमें एग्जाम्पल है एबी ब्लड ग्रुप कॉमा एम एन ब्लड ग्रुप एटसेट्रा ओके तो ये आपका कोडोमस का एग्जाम्पल है क्लियर तो अब ये हम लोग डिस्कस करेंगे तो इसलिए फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे ये दोनों को साथ ही डिस्कस किया जाता है तो इसलिए हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है क्या फर्स्ट हेडिंग इज ओके ब्लड ग्रुप सिस्टम ओके एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इन मैथ ओके, सो ब्लड ग्रुप सिस्टम इन मैन, फाइन, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। नाउ, एक्चुअली इसमें क्या होता है इट इज नॉट ए व्हाट? इट इज नॉट ए ग्लाइकोप्रोटीन ओके इट इज एक्चुअली ए वट स्पिंगो फोक् इट इज ए स्विंगो फॉस्फोलिपिन ये आप याद रखेंगे ठीक है जी तो इसीलिए बहुत बुक्स में लिखा होता है वो आपका क्या है वो एक ग्लाइको प्रोटीन है तो इट इज टोटली रॉन्ग तो इसमें याद रखेंगे दीओ ब्लड ग्रुप okay uh, structure is actually a ganglioside what is a ganglioside this is a sphingo okay yes sphingo glycolipid okay so this is a sphingo glycolipid किसी को भी डाउट है तो आप अपना कॉपी देख सकते हो या फिर वेबसाइट में यूट्यूब में देख लेना उसमें वीडियोस पड़ा है इसका ओके okay, तो ब्लड ग्रुप स्ट्रक्चर इज एक्चुअली ए गैंग्लियोसाइड लोकेटेड ऑन द आरबीसी मेंब्रेन ठीक है ये आरबीसी मेंब्रेन के ऊपर होता है इट इज कोडेड बाय जीन आई ओके कोडेड बाय जीन आई व्हिच कोड्स फॉर आइसो हिम आ ग्लूटीनोजेन तो ये आइसो हिमाग्लूटीनो क्या है कॉमा ए गैंग्लियो साइड ठीक है तो ये आपका है टाइम क्या बच रहा है अच्छी आम पर है टाइम ठीक है सो दिस इज अ कंसेप्ट नाउ सो दिस जीन दिस जीन एग्जिस्ट इन थ्री फॉर्म ओके थ्री फॉर्म्स और एलिल्स एलिलो मॉस ओके ये तीन एलि में मिलता है ओके नाउ जीन आई सुपरस्क्रिप्ट ए तो इसलिए मैं छोड़ दे रहा हूं मैं हाथ से लिखूंगा जीन आई ए कोड्स फॉर ए टाइप ब्लड उसी तरह से जीन आई बी कोड्स फॉर बी टाइप ब्लड ओके एंड जीन आई ओ और आई कोड्स फॉर निदर ए नॉर्थ बी सो कॉल्ड जीरो ग्रुप बाई लैंडस्टाइनर ओके बाई लैंडस्टाइनर जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था बाय लैंडस्टाइनर नाउ इट इज रेफर्ड टू एस ओ ग्रुप ओके एक्चुअली इसको हम लिख सकते हैं डिस्कवर्ड बाई कार अंडरस्टैंड तो एक्चुअली क्या हुआ ये जो जीन है ये तीन अलग अलग आईलिक फॉर्म्स में मिलता है एंड ये जो आईलिक फॉर्म्स है ये आपका आरबीसी के ऊपर इसका एंटीजन होता है अंडरस्टैंड नाउ अगर आपका ये जो तीन अलग अलग फॉर्म्स हैं एंड ये जो तीनों अलग अलग फॉर्म्स हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं ठीक है अब आपके पास तीन फॉर्म है बट मिलेगा कितना एनी टू तो इसमें नोट लिखेंगे ओके सो द एबीओ ब्लड टाइप्स वर डिस्कवर्ड बाई नाइनटीन नाइन वन ही रिसीव्ड द नोबेल प्राइज देख रहे हो इसलिए मैं हर नोबेल प्राइज के बारे में आपको अवगत आप करा देता हूं ओके ही रिसीव द नोबेल प्राइज इन 1930 ठीक है जी नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन 1930 फॉर हिज डिस्कवरी एबीओ ब्लड टाइप्स आर आल्सो प्रेजेंट इन अदर प्राइमेट्स सच एज एप्स एंड ओल्ड वर्ल्ड मंकीज तो उनमें भी यह जीन देखा जाता है अंडरस्टूड तो इसको याद रखेंगे इसलिए सिर्फ ये हमारे में ही नहीं मिलता ये उन लोगों में भी मिलता है ठीक है जी नाउ उसके बाद आई विल शो यू आई डोंट वांट टू एक्सटेंड इट बिकॉज ये थोड़ा सा टाइम क्रंच है ओके okay, नाउ इसमें बस हम लिख लेंगे आउट ऑफ दीज थ्री ए पर्सन

आउट ऑफ दीज थ्री तो आपके पास तीन ऑप्शन हैं बट मिलेगा कितना एनी टू ओके बिकॉज आपके पास क्या यू हैव ओनली टू पेरेंट्स क्लियर सो आप ये जो आप देख रहे हैं हम लोग तो इसमें आई विल शो यू अनादर ब्यूटिफुल टर्म जो फिगर मैं आपको दिखा रहा हूं कहा गया एक्चुअली दिस इज दिस इज दी ओ ब्लड ग्रुप का कंसेप्ट फाइन नाउ आई एम शेयरिंग द स्क्रीन तो ये जो कंसेप्ट है थोड़े बाद में हम डिस्कस करेंगे एक आज ही सो दैट इज कॉल्ड योर वट एच जी या बॉम्बे फैक्टर देख लिया तो आई हैव टेकन दिस फोटोग्राफ So that I will take a snapshot for you.